मतलब पहले कैसा होता था, हम लोगों को स्कूल जाते थे, हम लोगों को दो सीख तो हम लोगों को मिलती थी कि बेटा तो अगर स्कूल जा रहा है तो सबसे पहले आगे के टेबल पर बैठेगा। मैंने फॉलो करने की कोशिश की, बाद में मुर्गा बना दिया जाता पर आज ठीक जगह पर हूँ, आज शायद नहीं होगा। और दूसरी हम लोगों को जो सीख मिलती थी कि बेटा धूप में मत घूमा कर, 90s के किड्स के साथ ये होता था, आप ही वाले लड़के तो फाउंडेशन भी लगा लेते तो उस टाइम में अगर जो फॉलो नहीं करता था उस रूल्स को, तो आज वो सिंगल रखता है मेरी तरह स्टेटस। तो शुरुआत करना चाहूँगा, मेरी पोइट्री का जो शीर्षक है उसका नाम है मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। अभी कैसा है, आप स्कूल टाइम छोड़ते हो, आप सोचते हो कि कॉलेज लाइफ में आएंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बाबू सोना के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो उसी पर ये पहली पंक्ति है, जो खोया करता था किताबी सवालों में, जो खोया करता था किताबी सवालों में, वो दुनियावी सवालों में खोता जा रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। जवानी के लालच में अपने वक्त से पहले बड़ा होने की दुआओं पर तरस आ रहा है, जवानी के लालच में अपने वक्त से पहले बड़ा होने की दुआओं पर तरस आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। अधूरी ख्वाहिशों का बोझ मेरे स्कूली बस्ते से भी भारी नजर आ रहा है, अधूरी ख्वाहिशों का बोझ मेरे स्कूली बस्ते से भी भारी नजर आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। और कैसा होता था, स्कूल का जब प्रेयर चालू होने वाला रहता था तो हम लोगों को मालूम था कि यार अब तो फंसने वाले हैं, तो आराम आराम से करते हैं, नहीं तो फिर सर तो आज लेने वाले। और जब एंडिंग का टाइम, एंडिंग की बेल बजती थी, तो हम लोगों को मालूम था यार जल्दी जल्दी निपटाओ, अब जल्दी घर जाना है। तो उस पर ये लाइन है, वो स्कूल के पहले प्रेयर का धीमापन, वो स्कूल के पहले प्रेयर का धीमापन, और आखिरी घंटी में तेजी से वो जनगणमन बुलाया ना जा रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। दोस्तों संग मस्तियां, दोस्तों संग मस्तियां, और फिर पकड़े जाने पे क्लास में वो मुर्गा बनना भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। हमारा बेसुरा होते हुए भी वो 26 जनवरी को गाना, हमारा बेसुरा होते हुए भी 26 जनवरी को गाना, कभी स्कूल की दीवार को फान कर उड़नचू हो जाना भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। आज किसी की याद दिला दूंगा आपको। हमारा पिछले टेबल पर सोना, वो एक हसीन लड़की का सारी क्लास का क्रश होना भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। कभी कागज़ों की कश्ती, कभी कागज़ों की कश्ती, तो कभी क्लास में उड़ता वो रॉकेट याद आ रहा है, कभी कागज़ों की कश्ती, तो कभी वो क्लास में उड़ता रॉकेट याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। फिर क्लास में पकड़े जाने पर दोनों हाथों पर वो डंडों की मार का हाथों पर मैनेज करना भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। कभी स्याही से होली, कभी होता था ना पेन खराब होती थी, हम लोग दूसरों पे छिड़क दिया करते थे, कभी स्याही से होली, तो कभी वो टीचर्स की कड़वी बोली का किस्सा भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। पिछले टेबल पर बैठ कर चुपके से टिफिन घटक जाना, चुपके से बैठ कर टिफिन घटक जाना, फिर एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में घंटों भटक जाना भी किस्सा याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। मतलब होता था आप मैच द फॉलोइंग दोस्त से पूछ रहे हो, वो भी आपकी एक्स की तरह हरकतें करता कि मुझे नहीं पता। मैथ्स के लेक्चर में बुखार, मैथ्स को देख के सबको बुखार ही आता था, तो मैथ्स के लेक्चर में बुखार, तो कभी वो टूटे टेबल के झूले से प्यार, हम लोग झूलते रहते थे। मैथ्स के लेक्चर में बुखार, तो कभी वो टूटे टेबल के झूले से प्यार का वो किस्सा भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। कभी जो हाफ पैंट से फुल पैंट का सफ़र था, कभी जो हाफ पैंट से फुल पैंट का सफ़र था, तो कभी वो बायोलॉजी के चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। ये अंतिम लाइन है, मतलब कैसा होता था स्कूल में, जब हमारा पहला दिन होता था, हमारा दिल नहीं होता था कि हम स्कूल जाएं, माँ बाप ज़बरदस्ती बोलते थे मेरे दोनों जमा कर लो मैं तो जा रहा हूँ। जो आए थे स्कूल बेमर्जी कभी, जो आए थे स्कूल बेमर्जी कभी, सेंड ऑफ पर उनका बिलक बिलक कर रोना भी याद आ रहा है, मुझको मेरा स्कूल याद आ रहा है। पोयम अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जी टॉक्स का शुक्रिया जो हम लोगों को यहाँ मौका दिया आने का, धन्यवाद।